हेलो सभी का दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। आज आपको हम हमारे गांव का टूर करवाएंगे। पूरा गांव कैसा है पूरी जानकारी आपको यहां पर मिलेगी। सामने देख पा रहे होंगे नदी है चंबल और इसका सारा दृश्य हम आपको दिखा देते हैं जैसा कि देख पा रहे होंगे। और सामने देखिए ये मेज नदी है और सामने नजर आ रही है, उसके सामने अरावली पर्वत है जो कि आप देख सकते हो। और यहाँ पर ये शंकर भगवान का मंदिर है, बहुत ही अच्छा यहाँ पर ये मंदिर है। और चलिए आपको पूरे गांव का दृश्य दिखाएंगे हम पूरी तरीके से, तो चलते हैं आगे। ये देख रहे हो अब चल रहे हैं अभी गांव की तरफ, तो देखते हैं अभी हमारे गांव घर भी दिखाएंगे आपको, सब कुछ दिखाते चलेंगे पूरा घर का दृश्य। ये देख लीजिए ये हमारा घर है भाइयों, और ये सारा यहाँ पर दृश्य देख सकते हो। ये मेरी मम्मी है और ये मेरी सिस्टर है और ये हमारे गाँव के बच्चा बच्ची है, यहाँ पर देख सकते हो। ये घर है पूरा देख लिया आपने, अब चलते हैं अपन। ये यहाँ पर ठाकुर जी का मंदिर है, इसके आगे चलते हैं, पूरे गांव में आपको पूरा दृश्य हम दिखाते चलेंगे आज का, आपको पूरा नजारा कैसा है हमारा गांव। आगे ये गलियां देख सकते हो, यहाँ पर ये पूरी गलियां नजर आ रही है आपको, ये देख लीजिए यहाँ पर, ये देख लो हमारे इसकी जीजी है। यहाँ पर दृश्य बहुत अच्छा यहाँ नजर आ, ये देख लीजिए यहाँ पर गाँव का, ये गाँव का अच्छा चौक है यहाँ पर हमारी तरफ का, ये आगे देख सकते हो यहाँ पर ये हमारे गांव का नजारा है। आगे आपको पूरा दृश्य दिखाएंगे गांव में कैसा कैसा माहौल है, पूरी आपको देखने को मिलेगा। आज दिवाली का माहौल है और यहाँ पर देख सकते हैं गोवर्धन पूजा होगी आज, ये देखें यहाँ पर आज ये गोवर्धन अच्छा बनेगा, फिर आपको मैं बताऊंगा नजारा शाम को। ये आगे देख सकते हो ये गाँव है और इधर हमारा घर था पुराना जो कि आप यहाँ पर देख सकते हो ये नजारा। हमारे गाँव की दुकान है पर ये दुकान अभी बंद हो रही है, यहाँ पर ये दादी अम्मा है, यहाँ पर देख सकते हो झाड़ू निकाल रही है हमारे गाँव के। और आगे आपको दृश्य दिखाएंगे, यहाँ पर ये सब बच्चे बैठे हुए हैं और ये देखिए यहाँ पर, ये यहाँ पर सभी, ये यहाँ पर देखिए पोता लगाते हैं, गांव की ये परंपरा है जो कि आप देख सकते हो आपके गांव में भी लगाते हो तो यहाँ पर ऐसी परंपरा चलती है। ये यहाँ पर देखिए हीरामन बाबा का मंदिर है और ये हमारे पंडित जी है गांव के ठाकुर जी के, ठीक है। आगे और आपको दृश्य पूरा बताएंगे हम, टेंशन मत लो बिल्कुल भी, हमारा गाँव पूरा आपको बता देंगे, एक एक बात बताएंगे गाँव में क्या क्या माहौल है सारी जानकारी। ये हमारे गांव में कोई हटवाड़े की सुविधा नहीं है, यहाँ पर सब्जी बेचने आते हैं सब्जी बेचने वाले जो क्या बेच सकते हो। यहाँ पर ये जय नारायण का मंदिर है जिसका नजर आप सामने देख पा रहे हो, यहाँ पर देख सकते हो ये सारे यहाँ पर सब्जी वब्जी, यहाँ पर ताकि बच्चे खेल रहे हैं अच्छे से, ये देख लो यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर फटाके से खेल रहे हैं और ये उछल कूद कर रहे हैं। ये शंकर भगवान बालाजी का मंदिर है, यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर बैठे हुए हैं सारे गाँव के, यहाँ पर देख सकते हो गांव का यहाँ पर पूरा दृश्य आपको देखने को मिल रहा है जैसा कि आप देख पा रहे हैं। देखिए यहाँ पर पूरा गांव का दृश्य सामने देखते हैं, यहाँ पर खेत खेत ही खेत है, यहाँ पर और कोई चारा नहीं है कमाई का, यहाँ पर खेतों का ही सब कुछ है सारा यहाँ पर गांव वालों का। ये देख सकते हैं यहाँ पर पूरा दृश्य आपको यहाँ पर नजर आ रहा है जो कि मैं आपको बता पा रहा हूँ, अच्छे से आप समझ भी जाएंगे कि हमारा गांव कैसा है। पूरी वीडियो को आगे शेयर करते रहेंगे तो आपके और भी जो दोस्त है वो सारे देख सकते हैं यहाँ पर ये खेती करने जा रहे हैं, ये देख सकते। ये देखिए आगे चलते जाएंगे तो हमारा गांव का पूरा लास्ट आ जाता है, मतलब गांव में बहुत ही कम घर है, 100 लगभग घर है यहाँ पर 100 के आसपास। ये आगे देख सकते हो और भी नज़ारा जो आपको दिखाएंगे, यहाँ पर आपको पूरा नज़ारा देखने को मिल रहा है साफ साफ, यहाँ पर दृश्य है पूरा जो कि ये देख सकते हो। यहाँ पर आपको और भी नज़ारा जो भी स्कूल की तरफ तक का दिखाऊंगा, जहाँ पर कहाँ तक स्कूल है हमारा गांव एंड कहाँ पर होता है सारी जानकारी आपको यहाँ पर मिल जाएगी। ये हमारे गांव के मेंबर का मकान है और उसके बच्चे बच्चे हैं यहाँ पर, और भी आगे नज़र आपको दिखा दे सकते हैं। आगे नज़र आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर स्कूल है हमारे गाँव का और ये लास्ट सीन है गाँव का पूरा, आपको और भी जो दूसरी तरफ से चलते हैं वो सारा नज़ारा भी आपको जल्दी हम दिखाने वाले हैं और आप देखते रहिए यहाँ पर हमारे गांव का पूरा टूर दिखा देंगे। और आप चाहेंगे तो आपको हम लाइव भी कट करके यहाँ पर दिखा सकते हैं क्या माहौल चल रहा है गांव के लिए। ये देख पा रहे हैं ये हमारे गांव का स्कूल है राजकीय प्राथमिक विद्यालय 5वीं तक है बिल्कुल, यहाँ पर आप सारा दृश्य देख सकते हो। ये सारी जानकारी ये देख लो यहाँ पर ये अरावली पर्वतमाला है और इसके अलावा यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर ये चंबल का दृश्य था इधर, और आपको इधर चलते हम दूसरी तरफ से अब आपको गाँव की तरफ घुमा देते हैं सैर कराते हैं गाँव की पूरी तरफ से। ये हमारे गाँव के भैरू जी है, इसकी यहाँ पर पूजा की जाती है लास्ट में, ये यहाँ पर इनकी पूजा करते हैं गाँव में, गाँव में अलग अलग तरह के देवताओं की और देवियों की पूजा की जाती है। ये देखिए गांव में खेती का बहुत ही बड़ा माहौल है और यहाँ पर पानी की कोई कमी नहीं है, पानी यहाँ पर बहुत ज्यादा है। ये आपको मैं बता देते हैं कोटा बूंदी का नाम सुना होगा, तो मैं हूँ दोस्तों बूंदी जिले से है, बूंदी जिले में लाखेरी के पास आपका पास जाओगे तो आपको बड़ा खेड़ा मिलेगा, बड़ा खेड़ा पापड़ी उससे होते हुए हमारे गाँव पाली में पहुँच जाओगे बसोड़ा से। तो आप यहाँ पर यदि आना चाहते हो टूर करना चाहते हो तो आप भी आ सकते हो हमारे गाँव में, मिलने का आपको भी यहाँ पर अच्छा मौका मिलेगा हमारे गाँव।
यहाँ पर यह इनका आसन है। हमारे गांव में गुरु बाबा रहते हैं, उनका यहाँ पर देख सकते हो पूरा दृश्य। आप यहाँ पर देखे गुरु बाबा बैठे हुए, ये हमारे यहाँ पर गुरु बाबा है, देख सकते हो। यहाँ पर इनसे भी बातें कर सकते हो आप, गाँव के साथ इनसे पूछ सकते हो, गाँव के बारे में बता दीजिए गुरु बाबा। यहाँ पर रोड वगैरह कुछ नहीं है, और आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना, बिल्कुल भी ना भूलना। ये आप भी देख सकते हैं, यहाँ पर नज़ारा आपको यहाँ पर देखने को मिलता है गाँव पूरा। ये देखो यहाँ पर बकरी वगैरह को भी पालते हैं हमारे गांव में, जो कि आप दृश्य देख सकते हो यहाँ पर पूरा। और ये माजी है यहाँ पर, ये देख सकते हैं यहाँ पर गोबर उठा के लेके आ रहे हैं, और इसे कंडे में नहीं है यहाँ पर। यहाँ पर देख रहे हो यहाँ पर जड़ वगैरह निकाल रहे हैं यहाँ पर, ये यहाँ पर सारा देख सकते हैं हमारे गाँव का दृश्य पूरा इधर से, और आपको पूरा दृश्य आपको देख सकते हो यहाँ पर। ये पूरा दृश्य आपको गाँव का यहाँ पर एंडिंग होने वाला है, उसके बाद आपको यहाँ पर इसकी आपको पूरी जानकारी मिल गई है हमारे गांव में क्या क्या होता है क्या नहीं होता है। ये देखिए हमारे गांव में जंगल और हरियाली के अलावा और कुछ नजर नहीं आएगा आपको, बिल्कुल हरियाली है यहाँ पर पूरे पाली गांव के अंदर। ये हमारे गांव में माता जी का मंदिर है यहाँ पर छोटा सा, आगे आप ये दृश्य देख सकते हो। यहाँ पर नदी में नहाने जाते हैं, और आप यहाँ पर नदी में नहाने भी जा सकते हो, और बहुत ही अच्छी नदी है यहाँ पर। इस नदी में जो चंबल में जो पानी है, इसको पीने का उपयोग भी लिया जाता है डायरेक्ट, बिना यहाँ पर कोई प्यूरिफिकेशन किए हुए। और ये हमारे यहाँ पर एक मकान है राजपूतों का, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हो। और ये हम वापिस से शंकर भगवान के मंदिर में आ गए हैं पूरे गांव का टूर करके। तो आपको हमारा गांव का टूर कैसा लगा है, यदि आपने पूरा वीडियो देखा है तो हमारे गांव का आपको दृश्य था वो सारा नजर आ गया होगा। और आप जल्दी से बताइए हमें कि आपको कहाँ का टूर करना है, और हम आपको बताएंगे शाम को कैसे पूजा की जाती है गोवर्धन बाबा की। और आपको सारा दृश्य यहाँ पर पूरे पाली गांव का आपको बताते रहेंगे हम, और हमारे साथ आप बने रहेंगे तो आपको यहाँ पर पूरे नए नज़ारे देखने को मिलेंगे, जैसा कि मैं आपको बता दूंगा यहाँ पर। तो धन्यवाद मित्रों, और आप कैसे हो हमें भी जरूर आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, आपका गाँव का दृश्य कैसा है वो भी हमें वीडियो बना के देखेंगे, तो हम आपकी वीडियो को भी आगे शेयर करेंगे, आप यहाँ पर देख सकते हो पूरी जानकारी के माध्यम से। धन्यवाद मित्रों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।